हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। मुझे लगता है इस तरह की रेसिपी जो है यूट्यूब पे वैसे ही किसी ने शेयर की होगी, लेकिन मैंने तो आज तक नहीं देखी यूट्यूब पे। आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही कम सामान में बन जाता है ये जल्दी से। इसको आप लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों और बड़ों के लिए, और टेस्टी भी लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास ये काले वाले चने हैं, छोटे वाले, और इसके लिए हमें इस काले चने को भूनना है। तो इसमें ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालना है आपको। बस ऐसे इसको कढ़ाई में डाल देना है और ऐसे ही इसको मीडियम आँच पर भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है। और ये रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, आप जब बनाएंगे एक बार तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसको हम ऐसे ही भून लेंगे। और देखिए, हमारा जो चना है वो भूनकर तैयार हो गया है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो बस अब इसको हम थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसको हमें पीसना है। और चना जो है हमारा ठंडा हो गया है, तो इसको हम जार में डाल देते हैं पीसने के लिए। और इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही पीस लेना है छिलके सहित, ना ही इसको हमें छानना है और ना ही कुछ करना है, क्योंकि इसकी जो चने के जो छिलके होते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो जो हमारा चना है वो देखिए, इसका मैंने पाउडर बना लिया है, बिल्कुल बारीक पीसना है हमें। तो आप देख लीजिए कितना बारीक ये पीस गया है। बस इसको हम एक अब डोंगे में निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक डोंगे में बहुत बारीक बारीक मिर्ची काट के डाली हुई है। तो आप चाहें तो इसको जो है मिर्ची को इसी चने के साथ में पीस दीजिए, लेकिन हमें थोड़ा दरदरा सा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसमें नहीं पीसा, अलग से डाला है। और इसमें जाएगा थोड़ा सा लहसुन, और अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। और लहसुन को मैंने छील करके और कद्दूकस कर लिया है। तो आप इसकी जगह पे हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। और बस इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं डालना होता है। ये जो लहसुन का टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे और एक नींबू का रस, जिससे यह थोड़ा सा चटपटा बन सके। तो बस इतने ही मसाले में ये जो पराठा बनकर तैयार होता है, यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिसको आप बना के खिलाएँगे ना, वो तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा। और हेल्दी तो है ही है, तो आप लोग इसको जो है एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया है नींबू का रस, और उसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और तीखा और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करते हों। और यहाँ पर आप चाहें तो इसको अपने हाथों से मिला लीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा सूखा लगता है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और देखिए, हमारे पराठे की जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो गई। इसको मैंने अच्छी तरीके से हाथों से मिला दिया है, जिससे नमक जो है कहीं कम या ज़्यादा ना रहे। और बस अब चलिए हम पराठे के लिए डो लगा के तैयार कर लेते हैं। और डो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा घी या तेल, जो आप खाना पसंद करते हैं। और उसके बाद इसको हाथों से अच्छी तरीके से हम पूरे आटे में मिला देंगे, और फिर पानी डाल करके एक हम सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसका डो जो है आपको रोटी जैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है, क्योंकि पराठे का जो डो है वो आप सॉफ्ट लगाएंगे तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और देखिए, हमारा जो आटा है बनकर तैयार हो गया है, तो इसको हम एक साइड रख देंगे 5 मिनट के लिए ढक करके, जिससे थोड़ा सा सेट हो जाए। तब तक हम तवा रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो सारी तैयारी हो गई है, तो चलिए फिर पराठा बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा ले लिया है, एक रोटी जितना, और उसके बाद इसको हम गोल करके एक कटोरी जैसा बना के तैयार कर लेंगे। और मुझे पराठा की जो फिलिंग है वो भरने के लिए ये तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब सरल लगता है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। आपको जैसा अच्छा लगता हो, जैसा आप सही से कर पाते हों, उस तरीके से आप फिलिंग को भर लीजिए। तो ये जो हमने फिलिंग बनाई है, इसको हम डाल देंगे 1 चम्मच इसके अंदर। और इस फिलिंग को बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे, करीब 1 चम्मच, और इसको दबाते हुए अच्छे से हम इसके अंदर पैक कर देंगे। इस तरीके से इसका हम मुंह बंद कर देंगे,
और अगर आपको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा सूखी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार करके इसको थोड़ा सा गीला भी कर सकते हैं। जैसा आपको सरल लगे, जिस तरह से आप कर पाएँ उस तरीके से बनाइएगा। और बस इसको हम एक बार फिर से ऐसे गोल कर देंगे और अपने हाथों से इसको अच्छे से दबा देंगे। इससे क्या होता है कि फिलिंग जो है पूरे में अच्छे से फैल जाती है और बराबर पूरे पराठे में रहती है। तो बस थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके इस तरीके से हाथों से इसको हम बड़ा करेंगे और वापस से सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसका हम पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना जो फिलिंग है वो बाहर निकल जाती है, फिर पराठा अच्छा नहीं बनता है। तो बस देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है, कहीं से फिलिंग जो है बाहर नहीं आई है, बहुत अच्छी तरीके से बेल गया है देखिए। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है पराठा। तो इसी तरीके से एक पराठा और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये जो फिलिंग है इसको आप बना करके एक बार फ्रिज में रख लीजिए डिब्बे में करके, तो ये आराम से 15 से 20 दिन तक चल जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ये सूखा है, इसमें हमने पानी नहीं डाला है। तो अगर आपको ज़्यादा दिन तक ये फिलिंग रखनी है तो आप इसमें पानी मत डालिएगा, और ऐसे ही सूखा जो मसाला डाल करके और फिलिंग बनाई है ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप पानी डाल देंगे तो हो सकता है वो एक दो दिन में ख़राब हो जाए। और अगर आप ये मसाला बनाकर फिलिंग बनाकर रख लेंगे तो आप कभी भी पराठा बना सकते हैं फटाफट से तुरंत। तो हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है और इधर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, तो हम पराठा डाल देते हैं इसके ऊपर। और जब एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो उसको हम पलट देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना एक साथ, और दूसरे साइड से भी इसको हम पकने देंगे। और दूसरी साइड भी थोड़ा सा पक जाएगा तो इसको हम पलट देंगे, उसके बाद इस पर हम लगाएंगे घी। तो आप चाहें तो घी या तेल, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो आप लगा के बनाइए पराठा। बस हल्का हल्का सा घी लगा के और अच्छी तरीके से इसको हम लगा देंगे पूरे पराठे पे, और अलट पलट कर अच्छे से हमें सेकना है, क्योंकि जब आप पराठा अच्छी तरीके से दबा दबा के सेकते हैं तो बहुत अच्छा कलर भी आता है और ये अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रंची हो जाता है, तो पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और कहीं से भी कच्चा नहीं रहता है। तो दूसरे साइड भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं। और ये जो रेसिपी है आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छे लगते हैं पराठे। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई कर सकते हैं। और हमारा पराठा जो है दोनों साइड से सिककर अच्छी तरह से तैयार है, और इसी तरीके से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। और ये दूसरा वाला पराठा भी एक साइड से पक गया, तो इसको पलट देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरीके से घी लगाकर सेकेंगे दबा दबा कर। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन के साथ में, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी और आप मेरी वीडियो पहले देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं बहुत सिंपल सिंपल रेसिपी शेयर करती हूँ, और वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो मैं अपने किचन में बनाती हूँ अपने लोगों के खाने के लिए। कोई भी दिखावा नहीं है, कोई भी मैं किसी की रेसिपी कॉपी करके नहीं देती हूँ, जो मेरे घर में बनता है शुरू से हम खाते आए हैं, बस वही रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और सारे पराठे जो हैं मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, आप देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, और ये बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ आपको किसी भी तरह के अचार की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और इसके अंदर देखिए कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग भरी हुई है, ये काफ़ी चटपटी सी फिलिंग है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।